ओके अगेन गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दैट इज़ द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द कम्यूटेटर एंड ब्रश गियर्स। तो कम्यूटेटर मैंने आपको बताया था कि पिछले में हमने आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी हमने बात कर ली थी। अब हमें जो बात करना है दैट इज़ द कम्यूटेटर एंड ब्रश गियर। ओके, सो जो कम्यूटेटर होता है उसका जो मेन काम होता है, वो क्या होता है बेटा आपका, एसी को डीसी में बदलना और डीसी को एसी में बदलना होता है। ठीक है, मतलब आपने क्लास में डिस्कस किया था कि जो कम्यूटेटर होता है उसके दोनों काम होते हैं, मींस एसी को डीसी और डीसी को एसी। जरा इसमें अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, अ कम्यूटेटर विच रोटेट विथ आर्मेचर इज अ मेड ऑफ नंबर ऑफ शेप, मतलब एक प्रकार से कई सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो क्या करेगा, एसी को डीसी में बदलेगा। एंड करंट इज कॉइल फॉर आर्मेचर, आर्मेचर के जस्ट नीचे लगा रहता है। ठीक है, आर्मेचर के जस्ट नीचे लगा रहता है कम्यूटेटर और उसका मेन काम क्या होता है, एसी को डीसी में बदलना। फील्ड कॉइल एंड आर्मेचर कॉइल, यहाँ फिर से एक और क्वेश्चन आता है कि फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल में क्या डिफरेंस होते हैं। सो जो फील्ड कॉइल होती है उसका जो मेन काम होता है, उसका मेन काम क्या होता है, फील्ड को बनाना। और आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल का क्या काम होता है, आर्मेचर कॉइल का होता है जिसमें मेनली ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, आर्मेचर बोलते हैं। ये आप सर्किट देख सकते हो, ये एक सर्किट है जिसमें बीच में आर्मेचर है, बाहर बेटा जो योक है अपन बात कर रहे थे, जो पोल शो है जस्ट नीचे लगाए जाते हैं, ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे होती है। अगर आप अभी मैं सिंक्रोनस जनरेटर भी पढ़ाऊंगा, सिंक्रोनस जनरेटर में उल्टा होता है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होती है और फील्ड वाइंडिंग रोटर पे होती है। क्लियर है? ओके बेटा, तो ये सारी चीज़ आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हमें जोड़ना है, दैट इज़ द ब्रशेस। क्या होते हैं ब्रशेस, यहाँ पे बीच में ये आप देख सकते हो, ये इधर पे बेटा ब्रशेस लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, ब्रशेस। और जो